गुजरात में नस्ब किया गया सरदार पटेल का मुजस्मा अपनी ऊंचाई की वजह से दुनिया भर में मकबूल हो रहा है। गुजरात का महकमा सियाहत इसको मजीद मकबूल बनाने में जुटा हुआ है। मुल्क के पहले वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये मुजस्मा 600 फीट ऊंचा है। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर नर्मदा जिले के केवड़िया से 3.5 किलोमीटर दूर ये मुजस्मा नस्ब किया गया है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोबेडियन पर यह मुजस्मा लगाया गया है। इस मुजस्मे को बनाने के लिए 3000 करोड़ रुपयों से ज्यादा की लागत आई है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुजस्मा है। न्यूयॉर्क के स्टैचू ऑफ लिबर्टी के साइज से भी ये मुजस्मा दुगना है। गुजरात का टूरिज्म डिपार्टमेंट अब इस जगह को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर तरक्की देने के इकदाम में जुटा हुआ है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक रोजाना 15,000 टूरिस्टों की विजिट का टारगेट रखा गया है। साथ ही फॉरेन टूरिस्टों की तादाद बढ़ाने का भी निशाना रखा गया है। गुजरात हुकूमत ने सरदार पटेल के मुजस्मे के आसपास के इलाके को भी खूबसूरत बनाने के लिए कई इकदाम उठाए हैं। आसपास में फूलों की वादी बनाई गई है। साथ ही सस्तपुरा और विंध्याचल पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती से भी मुजस्मे की रौनक में इजाफा हुआ है। 3 नवंबर से इस टूरिस्ट प्लेस को अवाम के लिए खोला जा रहा है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के ये टूरिस्ट प्लेस खुला रहेगा। अडल्ट्स के लिए 120 रुपये इसकी एंट्री टिकट रखी गई है, जबकि 3 साल से 15 साल तक के बच्चों की एंट्री टिकट 60 रुपये रखी गई है। शाम के औकात में टूरिस्टों के लिए 30 मिनट का लेजर शो भी रखा गया है। साथ ही अगर आप सरदार पटेल के मुजस्मे को करीब से देखना चाहते हैं, तो हाई स्पीड एलिट्रेट के जरिए आपको 400 फीट ऊपर ले जाया जाएगा और सरदार पटेल के सीने के बराबर तक आपको पहुंचाया जाएगा, जहां से आप पूरी नर्मदा नदी का नजारा कर सकेंगे। अगर आप इस टूरिस्ट प्लेस पर रात में खयाम भी करना चाहते हैं, तो यही कॉम्प्लेक्स में 3 स्टार होटल का भी इंतजाम किया गया है।